नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बी सी ए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित फाउंडेशन रीडिंग असेसमेंट सर्टिफिकेट में आप किस प्रकार से अकाउंट क्रिएट करके आप लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद उक्त सर्टिफिकेट कोर्स को आप किस प्रकार से कंप्लीट करके पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स बच्चों की पढ़ने की क्षमता को समझने व उसके अनुसार कक्षा नियोजन हेतु अत्यंत उपयोगी है। आप लोग सुनिश्चित कर लें कि आने वाले 10 दिनों में आप जिलों के सभी शिक्षक यह कोर्स कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। सर्टिफिकेट कोर्स के उपरांत वहां दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यह कोर्स सभी शिक्षक कर सकते हैं, चाहे वह प्राथमिक स्कूल के हो या फिर उच्च प्राथमिक स्कूल के हो। जो शिक्षक यह कोर्स कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, जो कोर्स का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे उक्त कोर्स के लिए अपने आप को पंजीकृत करके उक्त कोर्स को आप समय सीमा पर पूर्ण करके ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि किस प्रकार से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार से उक्त कोर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे, आपको अपने ब्राउजर पे इस प्रकार से लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और इंटर फुल नेम और लॉगिन दिया गया है। तो उसके पहले क्या करनी है, आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपका पंजीकरण प्रतिभागी का पूरा नाम, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक दिया है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से अपना लिंक चयन कर लेनी है कि पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर या फिर आप बताना नहीं चाहते, तो इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। राज्य आपका छत्तीसगढ़ ही रहेगा। फिर जिला का ड्रॉप डाउन से आपको जिला चयन कर लेनी है, जो भी जिला में आपकी पोस्टिंग है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है खंड या फिर ब्लॉक, तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चयन कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे को आते हैं, तो यहाँ पर दिया गया आपका ईमेल या फिर फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देनी है। यहाँ पे दिया गया कार्य का पद, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको अपना पद चयन कर लेना है कि आप शिक्षक है कि प्रशिक्षक है कि संकुल स्तर के अधिकारी है या फिर खंड या फिर प्रखंड स्तर के अधिकारी है या फिर जिला स्तर के अधिकारी या फिर अन्य है। तो साथियों, यहाँ पे और क्लियर हो चुका है कि यहाँ इसको जो कोर्स है संकुल स्तर के अधिकारी भी कर सकते हैं, ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी भी उक्त कोर्स को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना पद चयन कर लेनी है। इस तरह से पद चयन करने के बाद देखिए, यहाँ पे दिया गया है कोर्स का नाम बुनियादी पढ़ने का मूल्यांकन और कोर्स की जो भाषा है यहाँ पे आपको दिया गया है हिंदी। चाहे तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश जो भी भाषा आपको समझ में आती है वह भाषा आप यहाँ पे अपने अनुसार से चयन कर सकते हैं। पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको पंजीकरण पे क्लिक करनी है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद फिर आप जैसे ही पंजीकरण पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है कुछ इस तरह से। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगा कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रिय करके आपका नाम लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और लिखा हुआ कि आपका खाता सफलतापूर्वक बनाया गया। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि हाई करके आपको आपका नाम दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि बुनियादी पढ़ने का मूल्यांकन। इस कोर्स में यह समझाया गया है कि बच्चों की बुनियादी पढ़ने की क्षमता का एक सरल मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। यह जो मूल्यांकन है वह 5 से 16 आयु वर्ग के सभी बच्चों के साथ कहीं भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मूल्यांकन विद्यालय में हो। ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में बड़े पैमाने पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए वर्ष 2005 से असर सर्वेक्षण में इस तरह के मूल्यांकन का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस कोर्स में 4 मॉड्यूल है जो आसान वीडियो और पठन सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। यह कोर्स बहुत आसान है और इसे ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बच्चों के पढ़ने के स्तर को जानना चाहता हो कम समय में पूरा कर सकता है। बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने के लिए प्रपत्र डाउनलोड करके उपयोग किए जा सकते हैं। कोर्स के अंत में आपको एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी दी गई है जो प्रतिभागियों को कोर्स सामग्री के बारे में उनकी समझ का प्रशिक्षण करने में मदद करेगी। तो इस प्रकार से आपको ये कोर्स पे जाए पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कोर्स पे जाए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कुछ इस तरह से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कुल 4 मॉड्यूल है और 4 मॉड्यूल आपको दिया गया है इस प्रकार से। देखिए, आपको ये 4 मॉड्यूल आपको दिखाई पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया है मॉड्यूल जो एक है आपका बुनियादी पढ़ने की क्षमता के मूल्यांकन का परिचय है। आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करें तो ये आपका
1 मिनट 33 सेकंड का वीडियो, इसके ऊपर आप क्लिक करके आपको वीडियो पूरा देखनी है इस प्रकार से। उसके बाद मॉड्यूल जो 2 है, बच्चों के लिए सहज वातावरण बनाना है, यह भी आपका 1 मिनट 45 सेकंड का वीडियो, इसको भी आपको देखनी है। और साथ ही नंबर मॉड्यूल 3 जो है, बुनियादी पढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करें। तो इस मॉड्यूल में क्या है कि बच्चों की बुनियादी पढ़ने की क्षमता के मूल्यांकन के जांच के प्रपत्र की अधिक गहन समझ प्रदान की जाएगी। इससे वह बच्चों के पढ़ने की क्षमता की पहचान मूल्यांकन के जांच के प्रपत्र में दिए गए विभिन्न स्तर जैसे कहानी, अनुच्छेद, शब्द, अक्षर और प्रारंभिक के अनुसार कर सकेंगे। प्रतिभागी केस स्टडी का उपयोग करके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी सीख पाएंगे। इसमें जो वीडियो है वह 10 मिनट 52 सेकंड का है और यहाँ पे वाचन मूल्यांकन प्रक्रिया का आपको सारांश दिया गया है, इसको क्लिक करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको सैंपल टेस्टिंग टूल्स भी दिया गया है, इसको क्लिक करके आप उक्त सैंपल टेस्टिंग टूल्स को अध्ययन कर सकते हैं। जो मॉड्यूल 4 है आपका, वह है मूल्यांकन के परिणामों की समीक्षा। इस मॉड्यूल में प्रतिभागी सीखेंगे कि प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, बच्चों की समझ के लिए इन परिणामों को संक्षेप में कैसे प्रस्तुत किया जाए और इन परिणामों को सरल तरीके से कैसे देखा और समझा जाए। तो इस मॉड्यूल में प्रतिभागी यह भी समझेंगे कि बच्चों की प्रगति को हम किस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं। यह जो वीडियो है वह 3 मिनट और 52 सेकंड का है, साथ ही इसमें सैंपल डाटा रिकॉर्डिंग शीट भी दी गई है और साथ ही सैंपल प्रगति चार्ट भी आपको दिया गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं सैंपल डाटा प्रगति के ऊपर, तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। इस प्रकार से देखिए आपके सामने यह ओपन हो रहा है, तो यह एक पेज का शीट है जिसकी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। इसका आप देख के इसको आप अवलोकन कर सकते हैं और साथ ही इसमें बच्चों की प्रगति का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सैंपल प्रगति चार्ट भी दिया गया है, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया PDF ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। देखिए यह भी एक पेज का है, यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रारंभिक जाँच, मध्य जाँच, अंतिम जाँच, इस प्रकार से यह बच्चे का प्रोग्रेस चार्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पर सैंपल टेस्टिंग टूल्स दिया गया है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने सैंपल टेस्टिंग टूल्स भी ओपन हो जाता है, इसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बच्चों के पढ़ने के लिए इस प्रकार से रीडिंग टूल्स है इस प्रकार से। उसके बाद जब आप पूरे मॉड्यूल को पूर्ण कर लेते हैं, सभी वीडियो को आप देख लेते हैं, देखने के बाद देखिए नीचे में आपको दिया गया है प्रश्नोत्तरी, अंत में एक छोटा प्रश्नोत्तरी आपके कोर्स के समझ के लिए दी गई है। तो आपको ये प्रश्नोत्तरी ले पे आपको क्लिक करके उक्त प्रश्नोत्तरी को आपको उक्त प्रश्नोत्तरी में आप भाग लेंगे और प्रश्नोत्तरी के सही सही उत्तर देने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी को सबमिट कर देनी है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कुल कितने प्राप्तांक अर्जित किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से यह जो मॉड्यूल है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उक्त चारों मॉड्यूल को, और इस प्रकार से आप बुनियादी पढ़ने का मूल्यांकन वाले जो कोर्स है उसको ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आप उक्त कोर्स से लॉग आउट हो सकते हैं और कभी भी उक्त कोर्स में आप पुनः लॉगिन हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप अपना फोन नंबर जो आपने पंजीकृत किया हुआ है फोन नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना पूरा नाम फिलअप करने हैं। उसके बाद लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पुनः उक्त कोर्स में हम अपने आप को नामांकन कर लेते हैं, उक्त कोर्स में हम लॉगिन हो जाते हैं इस प्रकार से, और पुनः आप कोर्स पे जाकर के उक्त कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने समय अनुसार। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।